मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कर रही किसानों की कर्ज माफी। कांग्रेस ने चुनाव में दो तो वचन, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने वचन पूरे करने में पसीना आज है। ऐसो बजट की कमी के चलते नहीं हो रहो, बल्कि ऐसो हो रहो बीते 10 से 15 सालों में मध्य प्रदेश में भय सबसे बड़े घोटाले के चलते। एक ऐसो घोटालो जो व्यापम से ज्यादा व्यापक है, एक ऐसो घोटालो जो ई टेंडरिंग को बाप है, एक ऐसो घोटाला जो बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश के किसानों को मौत को पैगाम लेके आओ है, एक ऐसो घोटाला जी पे ठीक से विचार करो तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जे है। एक एक परत खोले हम ई घोटाले की, काय के घोटाले की परतें बुंदेलखंड से ही खुल रही, और ई घोटाले को पहलो शिकार बने हैं बुंदेलखंड को एक किसान। अब हम आपके सामने एक एक करके मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले को खुलासा कर रहे हैं। सुनो, समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत सावन को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन की किसान कर्ज माफी योजना अंतर्गत दिनराज सावन के समस्त ग्राम समस्त पात्र कृषकों से कर्ज माफी हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। जय मुनादी सुनी आपने, जय मुनादी आखिरकार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले को खोलबे में सहायक बनी है। जमुनादी इन दिनों बुंदेलखंड के गांव में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी को ऐलान कर रही। ई के बाद जिन किसानों को कर्जा माफ होने उनकी सूची पंचायतों में चिपक रही, लेकिन जैसे ही जब सूची पंचायतों में चिपकी सो बवाल मच गयो। बुंदेलखंड में सैकड़ों की संख्या में किसान सामने आए जिनके नाम कर्जा और अब कर्ज माफी की सूची में शामिल हैं। मनोन ने तो कर्जा लो ही नहीं, फिर जो नाम कैसे आ गो, कैसे बने जे किसान कर्जदार, कैसे हजारों किसानों के नाम पे पैसों की बंदर बांट भई, जो सब बताएं आपको। लेकिन पहले आप देख लो एक गरीब आदिवासी की मौत जो किसानों के कर्ज घोटाले को पहलो शिकार बनी है। सागर जिला के देवरी विधानसभा क्षेत्र के नया नगर समिति के मुकुंदी पिता गजरात आदिवासी उम्र 65 वर्ष निवासी सरदई किसान की मौत बुधवार को हो गई। इसको लेके परिजनों ने बताई कि उनके दादा के ऊपर सेवा समिति द्वारा लगभग 5,43,666 रुपया को कर्जा बताओ गो, इसे घबरा के उनकी मौत हो गई। जब इस संबंध में परिजन गोलजामर पुलिस थाना पहुंचे तो उनकी FIR नहीं लिखी गई, यही वजह से किसानों में आक्रोश है। आखिरकार चक्का जाम भाव और उसके बाद प्रशासन ने जैसे तैसे उनकी सुनवाई करी, लेकिन बड़ी बात कहा थी, बड़ी बात यह थी कि मुकुंदी आदिवासी के ऊपर जो 5,43,666 रुपया को कर्जा बताओगा वो तो उनने लो ही नहीं। तो एक गरीब आदिवासी जी को 2 जून की रोटी को इंतजाम नहीं आ, ऊके ऊपर इतना बड़ो कर्जा लेवे की बात सामने आए तो गरीब पे काबीती हुई है, यही वजह से वो दुनिया छोड़ के चले गए। मुकुंदी तो चले गए, लेकिन मुकुंदी जैसे हजारों किसान मध्य प्रदेश में अब जोई दंश भोग बेखोर लगभग तैयार होने पर है। इसे काय के जो एक उदाहरण नैया हजारों लोगों के संगे मध्य प्रदेश में इतनो बड़ो घोटालो भाव आपको दिखा रहे कछु तस्वीरें। कल हमने इनको सुनाई कि बड़े भाई तुमने इतना कर्ज कहाँ से लिया जो इतना कर्ज आया आपके ऊपर, इनने बोला कि भाई हमने नहीं लवा कि भाई ये कर्ज वो जो लोन लगे उगतान लगे कि हम कहाँ से देंगे कहीं इसका कर्ज। अच्छा अच्छा, रोने लगे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर आज सुबह रहे खत्म ही हो गए वही में। अच्छा, कर्ज के कारण देखे। हाँ, अच्छा, तो यहाँ आप थाने किस लिए आए? हाँ, थाने के लिए सूचना देने के लिए आए। तो क्या बोल रहा है इन लोगों ने? अब ये मना कर रहे रिपोर्ट की। सर, मैं तो ये वजह मानता हूँ उनके लिए पैसे की बहुत ज्यादा, पहले तो कभी दिया नहीं किसी से कर्जा, ना किसी बैंक में गए हैं, और जो कल उनके लिए जो लिस्ट मिली है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया है, तो उससे कल से उनने खाना पीना बंद कर दिया था, और सुबह उठने के पहले अपनी नित्य क्रिया करने के बाद में वही लगी थी उनको कि पैसा मेरा मैं कहाँ से चुकाऊंगा या मेरी औलाद कहाँ से चुकाएगी, क्योंकि उनके लड़के बच्चे हैं वो भी घर पे नहीं रहते हैं,
तंगी की वजह से, लेकिन ये सहकारिता बैंक जो कटारे बाबू पहले थे जो 2008 में समिति प्रबंधक, उन्होंने ये पैसा साला निकाला है, ना हमको पता है ना हमारे पिताजी के पिताजी को पता था। अच्छा, और ये अच्छा। हमारे गंजले पिताजी ना इनको पता है, और मेरे पिताजी हरिराम के नाम पर भी जो पर्चा है वो भी कभी बैंक नहीं आए हैं यहाँ पर। और कितने कितने किसानों के संगे धोखाधड़ी भाई, और कैसे जा धोखाधड़ी एक बहुत बड़े घोटाले की न्यू बनी, जो खुलासा अब हम आपको करवा रहे हैं, और बाद में हम आपको बताएं कि और बाकी कितने कितने के किसान ई घोटाले के शिकार बने। कर्ज माफी की शुरुआत होने के बाद कितने घोटाले सामने आए, कितने किसानों के नाम पर फर्जी ऋण प्रकरण बने, इनकी कछु और वानगी भी आपको दिखा रहे हैं। बीते लंबे समय से फसलें तबाह होने से आर्थिक संकट और कर्ज में दबे मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी की योजना सहकारी समितियों के संचालकों के लाने लूट को जरिया बन गई। सागर जिला के देवरी विकास खंड के चरगुआ, गुगवारा, केसली विकास खंड की सहजपुर, नयानगर, महका, जनकपुर, नाहरमऊ ग्रामों की समितियों में जमकर धांधली की बातें सामने आई हैं। जिसको लेके कृषक समितियों के बारे प्रदर्शन हो रहे और मामला गर्म होने के बाद समितियों के कर्ता धर्ता रफू चक्कर हो गए। कारगुजारी की जिम्मेदार सहकारी समिति द्वारा तैयार की गई इन फर्जी सूचियों में ऐसे कृषकों को भी कर्जदार बताओ गो जो पूर्व में मृत हो चुके। कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव के निर्देश पे कद्योरी विकास खंड की चरगुआ समिति पहुंचे एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी को पीड़ित किसानों ने कर्ज अदायगी की रसीदें बताई, जो भी बताई कि उनके द्वारा 3 साल पहले ऋण अदा करने के बाद भी ऋण सूची में उनको नाव दर्ज है। कछु किसानों ने शिकायत में बताओ उनने तो कहूँ कर्ज भी नहीं लो, इसके बाद भी समिति संचालकों ने रिकॉर्ड में हेर फेर कर उन्हें सूची में कर्जदार बता दो। ग्राम सहजपुर में कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव को ज्ञापन देके किसानों ने सहकारी समिति द्वारा फसल बीमा की राशि न देवे, उनके खातों में फर्जी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड को कर्जा दर्शा जावे की शिकायत करी। पिताजी के नाम घनश्याम मिश्रा, उनके नाम कर्जे आओ है 1,02,31,000 कछु पैसा चढ़े। अच्छा, तो क्या आपने कर्ज लिया था? जो कर्ज नहीं लिया हमने। तो क्या है, कब पिताजी कब खत्म हो गए थे? पिताजी यही है 7 महीना। तो पिताजी कैसे खत्म हुए आपके? ये कर्ज के मामले में खेती बेचता ही थी। अच्छा, खेती बेची थी आपने? हाँ। तो फिर वो कर्ज भर चुके थे जेरा है रसीद धरे। अच्छा अच्छा। और फिर अच्छा। मम्मी के नाम पे फिर आ गो। अच्छा। दोनों के नाम पे है, मम्मी के नाम पे है 1,86,000। ये जो ऋण माफी की जो लिस्ट आई है जो समितियों में, उसमें देखा तो इनके होश उड़ गए कि जी पैसा जो लिया नहीं है वो लिखा है, और ये 2013 का जो इसमें ऋण लिखा है और 2014 में इसको जमा किया गया है। ये अभी जो रसीदें थी मेरे पास, मैं लिख के लाया इसमें। अच्छा। तो हमारा हमारे पिताजी का है और हमारे दो भाई उनका भी है, हमारे भाई का भी, वो बैंक को नहीं गया, उनकी भी कर्ज में नाम है। कितने कितने का कर्ज था? हमारे एक भाई का है 90,000 का है, और एक भाई का 75,000 का है, और हमारा कोई 85,000 का हमारा है, और पिताजी का माने 11,000 का पिताजी का है। बस ये सर का वो हमने पैसा लिया नहीं है सहकारिता बैंक से, और उसमें हमारे पैसे आए हैं 90,000 का है। 90,000 रुपए का केसीसी शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं लिस्ट के आधा, जो ने लिस्ट दिया पंचायत उसमें 90,000। पता चलो कि कर्ज नहीं करो, हमने तो कर्ज लाऊ नहीं है, कहाँ से कर्ज? किसके नाम से कर्ज निकला? अब पता नहीं, ये तीन भाई के नाम है। हाँ, तीन भाई है, तीन जनों के नाम है कर्ज। आओ, कितना कर्जा है? 2,00,000। 2,00,000 के आसपास आओ है। ये कब लिया आपने? कभी नहीं लिया। तो ये कैसे हो गया अपने आप कर्ज आप पे? कहाँ पता कैसे होगा, अधिकारियों ने किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां पर समिति प्रबंधकों के द्वारा और कॉर्पोरेट बैंक के अन्य अधिकारियों के द्वारा फर्जी तरीके से लोगों के ऊपर लोन निकालकर लोन का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे बहुत सारे किसान हमारे पास आए हैं और जिनकी जानकारी भी नहीं है, कई लोग डेथ हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके ऊपर भी लोन है, वो इसकी जांच हम करवा रहे हैं। और मैंने आज एसडीएम और एक कलेक्टर से बात की है, उनको निर्देशित किया है कि इनके खिलाफ FIR करो, इनको जेल में डालो, जो सभी प्रबंधक में शामिल हैं। वो पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जांच करवाई जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चाहे वो कितनी बड़ी सुखदार हो, चाहे कितनी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कहीं कोई भी होगा, किसानों का शोषण करने वाला व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार भैया, हम एक आज ऐसी खबर लेके आए हैं जिसको सुन के आप चौंक जाओ।
एक ऐसा घोटालो जो एक दिन में नहीं के उस सालन में पनपे, और एक ऐसा घोटालो जिसे जमीन से जुड़े अन्नदाता से लेके प्रदेश के सबसे बड़े सरकार जो हैं उन तक को टेंशन में डाल दो, बड़ो घोटालो। लेकिन ये घोटाले की जब हम पर्ते खोलें इसके पहले आपको एक चीज दिखाएं, हम आपको दिखाएं आज को एक अखबार। आज एक अखबार ने लिखी है कि कर्ज माफी प्रक्रिया में सामने आई बड़ी गड़बड़ी, शासन में हड़कंप, सहकारी समितियों और बैंकों ने लोन चुका चुके किसानों पर भी निकाल दिया लाखों का कर्ज, सरकार ने दिए जांच के आदेश, मंत्री सज्जन सिंह ने लगाया घोटाले का आरोप। अब कहानी क्या है, कहानी जानिया कि कर्ज माफी की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही, बल्कि कहानी जा है कि मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज के नाम पे अब तक को सबसे बड़ो घोटालो सामने आ रहा हो। एक ऐसा घोटालो जो सबकी नींद उड़ा दे है, एक ऐसा घोटालो जो पिछले कई सालों से दीमक की तरह हिंदुस्तान की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चाट रहो। तो कहानी अब हम आपको शुरू कर रहे हैं ये पूरे घोटाले की, किसानों के कर्जा को लेकर घोटाले की क्यों पड़ते हैं। लेकिन शुरुआत इस चीज से कि आखिर ये पड़ते खुल कैसे रहे। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को ऐलान करे, कांग्रेस पार्टी ने करे, तो अब जब जब प्रक्रिया शुरू भई सो गांव गांव में लिस्टें चिपकाई जाने लगी। लिस्ट ई चीज की कि कौन सो किसान कर्जदार है, एक ही ग्राम पंचायत में लिस्ट चिपक रही, और जब लिस्ट में जब अपना नाम देख रहे के वो किसान सुबह चौंक उठे, और वे चौंक उठे, और ई के बाद जब उनने जो पतो करी कि उनके नाम पे तो कर्जा उनने तो लाओ ही नहीं है, तो लेकिन उनके नाम पे भी कर्जा है, तो जो देख के वे घबरा भी गए, और जब घबराए तो उनने ई चीज की आगे शिकायत करी। लेकिन ई पूरी शिकायत के बीच, इन पूरी समस्याओं के बीच बड़ी कहानी सामने आई, जी की पड़ताल बुंदेली बौछार की टीम ने सागर जिला में और बुंदेलखंड के केऊ जिले में करी। और ये पड़ताल में जो सामने आओ के पिछले 15-20 सालों में मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पे बहुत बड़ी ठगी को रैकेट चल रहा, तो जो रैकेट ऐसे काम करत कि मध्य प्रदेश में किसानों की बीज खरीदी से लेकर फसल बेचवे तक की प्रक्रिया की ज्यादातर चीजें जो है सहकारी समितियों के माध्यम से होती, और चूंकि किसान हमारे ना को बिना पढ़ो लिखो है, कम पढ़े लिखो है, तो वो बाकी सब चीजें में जानत समझत नहीं है। यही वजह से किसान क्रेडिट कार्ड से लेके तमाम उके जो अपने कागजात हो, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो सहकारी समितियों के अधिकारियों कर्मचारियों के पास रखे रख। अब घोटाले की शुरुआत कैसे भाई कि इन अधिकारी और कर्मचारियों ने क्यों सालन से एक प्रक्रिया बनाई, और प्रक्रिया जब बनाई कि जिन जो किसान अनपढ़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर समितियों से लोन निकाल लो। अब किसान को पतो ही नहीं है वो कर्जदार होगा। अब जब किसान कर्जदार होगा तो अब आपको सवाल जो ये कि जो किसान कर्जदार होगा उसको पिछले 15 साल में पतो नहीं चले। जी हाँ, उसको 15 साल में पतो नहीं चले, इसे पता नहीं चले कि समय समय पर केंद्र की और प्रदेश की सरकारें अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों की कर्ज माफी करती हैं। तो अबे के पहले जो प्रक्रिया आती, जो कमलनाथ की वर्तमान सरकार है, ई के पहले की जो भी प्रक्रिया आती वह अलग किस्म की आती। वह प्रक्रिया जाती कि सहकारी समितियों से किसानों के कर्जा की लिस्ट मंगाई जाती, और उन सहकारी समितियों में जो कर्जा माफ हो तो उखो होती को चुका दो जात। तो इसे जी किसान के नाम पे कर्जा हतो उखो ना तो जो पतो के ऊके नाम पे कर्जा लो गो, और ना जो पतो के ऊको कर्जा चुक गो। वो अपने घरे बैठे सहकारी समितियों के अधिकारी कर्मचारियों ने फलजीवाड़ा करके किसानों के नाम पे कर्जा ले भी लो और कर्जा चुक भी गो। लेकिन अब कहानी नए सिरे से शुरू भई, कहानी नए सिरे से ही से शुरू भई कि कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वे ठहरे विशुद्ध व्यापारी दिमाग के, प्योर बिजनेसमैन। उनने कहीं ना कहीं उनके पास जा खबर हती कि इस तरह को घोटालो होते हैं सहकारी समितियों में, उनने नए सिरे से काम करे। उनने जब मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू करी तो कमलनाथ ने एक तो तीन तरह के फॉर्म भरवावे की बात करी, दूसरा गांव-गांव में मुनादी हो रही कि भैया किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया है, जी को कर्जा हो वो अपनी जब प्रोसेस में हिस्सा लेवे, और तीसरी बहुत बड़ी बात जो पहली बार भाई के किसानों की कर्ज माफी की लिस्ट
सहकारी समितियों की बजाय ग्राम पंचायतों में चिपकाई जा रही, और जो ग्राम पंचायतों में जो लिस्ट चिपकाई जा रही वो ही पूरे घोटाले के खुलवे की असल वजह है। काहे के अब किसानों को जो पतो पड़ रो कि उनके नाम पे कर्जा है और ई कर्जा को माफ करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन शुरू कर रहा, तो अब जो किसान जिनके नाम पे कर्जा है और उन्हें पता ही नहीं है, तो वे जो देख के और सुन के हक्के बक्के रह गए, और यही वजह से सागर जिला के केसली इलाके में एक किसान की मौत हो गई केवल इस सदमा से कि ऊपर 5 लाख से ऊपर को कर्जा तो जबकि उन्हें 1 रुपया भी कर्जा नहीं लौटा। तो जो पूरा घोटालो आज से नहीं चल रहा, जो पिछले 10 से 15 सालों से लगातार चल रहा मध्य प्रदेश में, और अगर आप बहुत छोटो सा उदाहरण भी लो कि अगर एक जिला से 1000 किसानों ने भी अगर कर्जा लाओ तो कितनों बड़ो घोटालो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनकी नाक के नीचे जो घोटालो भाव और सहकारी समितियों के अधिकारी कर्मचारी से लेकर तमाम लोगों में शामिल है, और इसके बाद अब पूरी प्रक्रिया सामने आ रही, और मध्य प्रदेश में जो इतने सालों से घोटालो, आप मतलब घोटाले की पराकाष्ठा देखो कि एक ऐसा घोटालो जी में एक किसान के पूरे कागज रखे हैं उनके नाम पर कर्ज भी होगा, और कई बार कर्ज होके फिर कर्ज माफ होगा, और फिर से वही कागजों पे फिर कर्ज ले लोगा, और उस किसान को पता नहीं है कितनों बड़ो धोखा मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के संगे सालों से जो रैकेट चल रहा हो, तो कितनों बड़ो घोटाला मध्य प्रदेश की और देश की सरकारों के संगे भाव, किस देश की सरकारों ने हमारे आपके टैक्स की पूंजी किसानों के नाम पर कर्ज माफी में हमने दे दी, लेकिन ना तो किसान के नाम पे कर्जा हतो और ना उ तक वो पैसा पहुंचे, जो पैसा बीच के अधिकारी खा गए, बीच के कर्मचारी खा गए, सहकारी समितियों के अधिकारी खा गए, और पूरी की पूरी जो परतें हैं ये घोटाले की अब खुल रही। मध्य प्रदेश की सरकार की राजनीतिक मजबूरी अब जा बन गई कि लोकसभा को चुनाव है फरवरी में, उन्हें पूरे किसानों को कर्जा माफ करने, लेकिन कर्जा माफ अगर कर रहे फरवरी में इतनी जल्दी तो ई घोटाले की आप जांच कैसे कर पे हो? तो अब केवल 2 ऑप्शन, या तो ई घोटाले की जांच कर लो तो कर्जा माफी कम से कम 6-8 महीना के लाने साल भर के लाने लटक जे, जी को नकारात्मक प्रभाव लोकसभा के चुनाव में सरकार के ऊपर पड़ जे, या फिर दूसरा ऑप्शन के सरकार बिल्कुल चिंता नहीं करवे कि लोकसभा में का हुई है कर्ज माफी लेट हो जाए, एक एक किसान की जो के ऊपर जो कर्जा है उसकी पूरी जांच करवे मामले की, और ई जांच में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जाए कि अगर जांच कर भी ली तो ई जांच में जो दोषी हैं, जो इनके लापरवाही जिनने घोटाले करे, उनमें से बहुत सारे लोग जो सहकारी समितियों से जुड़े रहते रिटायर हो चुके, उन तक कैसे पहुंचे? तो अगर पूरे की पूरी घटना को सही रूप देने तो सरकार को एक SIT बनाना चाहिए, कर्ज माफी में पूरे तौर पे कहूं ना कहूं किसानों से बॉन्ड भरे जाने चाहिए कि जो भी व्यक्ति जो है अपने कर्ज माफी के लिए ऐलान कर लो वो एग्रीमेंट भर पे सरकार से कि अगर हमने झूठे पाए गए तो हम पे कार्रवाई होवे, जो बहुत जरूरी है, और यही एकमात्र वजह है कि भले ही अब कर्ज माफ हो जाए लेकिन ये पूरे घोटाले की, कहे कि जो एक व्यक्ति को घोटालो नहीं है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर को घोटाला है, और ऐसी परतें देश में और जगह भी खुल सकती। मध्य प्रदेश के इतिहास को किसानों के संग सबसे बड़ा घोटाला है जो सहकारी समितियों के माध्यम से जो भाव एक एक अन्नदाता को जो है कहीं ना कहीं संकट आ जाए, क्या जब हर लिस्ट में उनको नाम आए कर्ज में तो उनके संग का बीते वही जानत। तो साफ तौर पे सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती, कमलनाथ के सामने बहुत बड़ी चुनौती, मुख्यमंत्री के सामने, और पूरे के पूरे घोटाले को पर्दाफाश हो इसे जरूरी है, काहे के ई पूरे विषय में सरकार ने जो पैसा दो तो सरकारें भी ठगी गई, ई पूरे घोटाले में किसान जी के नाम पे कर्ज जानी है तो वो भी ठगेगा, और तीसरो ये देश को आम आदमी जो इनकम टैक्स दे, जो तमाम तरह के अपने टैक्स दे ई के लाने कि चलो भैया हमारे टैक्स के पैसा से किसानों को कर्जा माफ हुई है, किसानों को भलो हुई है, लेकिन किसानों की बजाय चंद लोगन को, भ्रष्टाचारी लोगन को भलो कर रहे हम और आप अपने टैक्स के पैसा से। इसे हम और आप भी जवाब मांगो सरकार से, और सरकार से जब मांग करो कि भैया ई पूरे घोटाले की परतें खोलो, जी भी व्यक्ति ने किसानों के संग जब ठगी करी उन सारे के सारे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाओ, और ये पूरे घोटाले की एक एक परत अगर मध्य प्रदेश की सरकार ईमानदार है और ईमानदार बनवा चाहो तो ये पूरे के पूरे घोटाले की एक एक परत खोल के रखवे, ताकि सबक मिलवे भ्रष्टाचारियों को, और सबक मिलवे हमारे आपके पैसन से ठगी करवे वारन को, सबक मिलवे अन्नदाता से ठगी करवे वारन को।
किसानों के जमा कागजातों पर फर्जी तरीके से लोन लेवे की कहानी है। देवरी विधानसभा क्षेत्र की अकेली नहीं है, ये पूरे सागर जिला से सामने आ रही है और पूरे मध्य प्रदेश से सामने आ रही। सागर जिला के बंडा विधानसभा से भी यही तरह की शिकायतें सामने आई और साफ तौर पर किसान ने कही कि उनने ना तो कर्जा लाओ ना बैंक में कर्जा के लिए अप्लाई करे, तो इसके बाद भी उनके नाम पे सहकारी समितियों से कर्जा जारी होगा। अब जब कर्ज माफी की बात सामने आई तो जो पूरो घोटालो बंडा में भी सामने आओ। ये समस्या है कि हमने कभी ना सोसाइटी से ना कोऑपरेटिव बैंक से कभी कर्ज लिया ही नहीं है और 1,33,000 रुपया का कर्ज लिस्ट में देखा हमने कल जब मतलब बंडा आए। हमारी दादी के नाम से कर्ज आ रहा है, दादी ने कर्ज लिया नहीं, काशी भाई नाम। कितना कर्ज आ गया? 1,33,000। कितने लोगों का करीब ऐसा हुआ? ऐसे 15-20 लोग हैं। तो उन्होंने कर्जा लिया नहीं और कर्ज में नाम आ रहा। कर्ज माफी पे घोटाले के बड़े खुलासे के बाद राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे ई पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई है। कमलनाथ जी की जो वचन है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसका दूसरा भाग ये है कि कमलनाथ जी चाहते हैं कि असली किसानों का इसका लाभ मिल सके और कमलनाथ जी की इच्छा ये है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देना है तो किसानों के कर्जे को और किसानों की उन्नति को महत्वपूर्ण देना पड़ेगा। और ये बात हम बार बार कहते थे कि किसानों के नाम पर व्यापारियों ने, भाजपा के दलालों ने भ्रष्टाचार किया है। जब आदरणीय कमलनाथ जी ने किसान के कर्जे की माफ की बात की और पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि सेवा सहकारी समितियों से हटकर ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी सूची चस्पा की गई और जिन किसानों का कर्जा माफ करना था उनसे आवेदन मांगे गए, तो यही पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, वो कहते थे कि जा काय के लाने भर रहे भैया, हरा हम काय को भर रहे, पीला काय को भर रहे, सफ़ेद काय को भर रहे। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम इसलिए भर रहे हैं कि तुम्हारे दलालों ने, भाजपा के दलालों ने, शिवराज सिंह जी के दलालों ने जो किसानों के नाम पर झूठा लोन लिया था, झूठा कर्जा लिया था, उसका पर्दाफाश होए। हमने शुरू में ये बात कही थी कि बड़ा घोटाला सामने निकल के आएगा। हम इस मामले को फिर जवाबदारी से कहना चाहते हैं कि जिन भी सेवा सहकारी समिति के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने किसी भी नेता के बोलने पर जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया है, घोटाला किया है, वो जल्द जेल के सलाखों में जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कहो है कि अगर कांग्रेस की सरकार कोनो भी तरह का घोटालो पकड़ रही तो ऊपर कार्रवाई करके दिखाए, बल्कि उल्टो भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाओ कि कांग्रेस की सरकार किसानों की कर्ज माफी नहीं कर पा रही, यही वजह से। देखिए, जब से कमलनाथ सरकार जी आई, ये दोहरे चरित्र में काम कर रही है, विद्वेष भावना से काम कर रही है। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए पिछली सरकार पर, हमारी जो सरकार थी, उस पर झूठे आरोप लगा रही है। यदि आरोप है तो सिद्ध करिए, जांच करिए। निश्चित रूप से यदि कोई भी दोषी हो, मैं खुद भी क्यों ना हूं, तो मुझे सलाखों के बीच डालिए। लेकिन यदि ये है नहीं, सिर्फ आरोप से बचने के लिए, आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। साफ तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार सहकारिता के क्षेत्र में भाई बहुत बड़े घोटाले की परतें खोलवे में और इनके दोषियों को पकड़वे में सक्रिय दिख रही, लेकिन सरकार के सामने चुनौती यह है कि लोकसभा को चुनाव करीब है और उसके पहले किसानों की कर्ज माफी भी करने और घोटाले की जांच भी करने, कहूँ ना कहूँ सरकार के लाने जा दोहरी चुनौती है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार।